Tick-tack-tack-tack-tack. Heavy attack! वेलकम बैक गाइस, वॉक थ्रू पार्ट टू असासिन क्रीड वल्हाला में आपका बहुत बहुत ज़्यादा ही वेलकम। तो यहाँ पर जो है ना, अब लास्ट हमने जो छोड़ा था लाइट के इश्यूज की वजह से, तो यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग के अंदर जाके यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अपने ऑडियंस के क्रो के जरिए जो है ना अपने कौए को देख के जो है बताओ के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी ग्राफिक्स देखो यार, बड़ा ही बर्फ में चमकीला चमकीला, बिल्कुल नॉर्दर्न ऊपर, बड़ा ही अमेजिंग लुक। और यहाँ पे जो है ना बर्फ से इसके कपड़े भी गीले हो गए, बर्फ से कपड़े भी मैले हो गए इसके, बर्फ लग गई। तो यहाँ पे जो है ना अपने कौए को बुलाते, आ जाओ मेरे कौए। ओके, तो यहाँ पे बूस्ट मार के देखते हैं। ओरा एक तो बंदा ये रहा। इसको मार कर दिया ये रहा। और यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से इसके अंदर से ही अपने क्रू को बचाना होगा। एक ये रहा, एक ये मार कर दिया। ओके, तीन बंदे हो गए। अब चल कुए, तेरा काम हो गया। अब रेडी हो जाते हैं गाइस इसके अंदर जो है ना, अंदर दाखिल होते हैं यहाँ से और देखते हैं कि भाई the longhouse. My crew should be inside. यार इतने सारे मैंने तीर लिए हैं और उसने इशू करा रहा है सिर्फ 12। ओह ये हैवी अटैक। मर गया। ओके गाइस, बड़ा मजा आया। ओके हेड टू द नेक्स्ट। ओहो के यहाँ पे the other side must be barred. ओके यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं है, तो जल्दी भागना यार, अच्छा इसकी एनर्जी सारी खत्म हो गई है। An opening in the roof. हाँ हाँ opening है भाई, वहीं से जाएंगे। Let's see. पहले बाहर के बंदों को तो मार दें। इसको जो है अचानक से हमला करूंगा। एक ही बार में लूट कर लिया इसको। और एक मेरे ख्याल से दो इधर थे, अंदर देख लेते हैं क्या पता अगर अंदर नहीं है कोई भी। यार यहाँ पे रहने का बड़ा ही अलग ही एडवेंचर टाइप मजा है। ओह इसकी माँ, यार मैं जो है ना भूल गया कि डोज किससे करते हैं। तो फाइनली जो है ना अब
क्रू को बचाने का तरीका, यहां से वहां, वहां से यहां। बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ You squirm like that and my axe will miss your neck. Unpleasant for both of us. If I'm to die, I want to make a mess of it, Bakraut. Okay. यहाँ पे इसके बंदे हैं। अब ब्लेड सी के उतरना कहाँ पर है? कि यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे मेरे ख्याल से नो नो नो, शुक्र है इसने शोर नहीं किया। मैं आराम से नीचे आ, नीचे आ। ओके तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है यहाँ पे अब जो है ना एक्शन होने वाला है शुरू। ये बुजदिल के बच्चे, जरा से तेरे अंदर अगर Yours is a clan of thralls and peasants. तो यहाँ पर अब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे साथियों पे हमला करने का नतीजा तेरे को क्या देखने को मिलता है। तो तू एक गुलामी से बेहतर जो है ना सर्वाइवर बनकर जो है अपने साथियों को बचाना चाहता है कुर्बानी देके, तो आ जाओ कुर्बानी दे दो अपनी और देखते हैं कि कौन कुर्बान आता है। बिगिन गाइस। ओह नो, अबे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी निकाल भाई। आ जाते हैं आजा मैदान में आजा। स्टैमिना हेवी अटैक। हेवी अटैक। मुझे लगता है ओके दिस एक्शन इज बिगिन। फाइनली इसका खत्म हो गया। गाइस वेल डन वेल डन। अब ये क्या सोच रहा है? लेट्स सी। साथियों को बचाएगा भाई और क्या। ऑब्वियसली गाइस मेरे ख्याल से ये इसकी एक्स है या जो है ना, मेरे ख्याल से इसके मुझे लगता है बाप दादा की जो शायद कुल्हाड़ी है वो उसकी निशानी है। और अगर आपने इसकी स्टोरी को पहले मेरे ख्याल से अगर नहीं देखा हो तो इसका नाम जारेन है, ठीक है। इसके माँ बाप को जो है ना बड़ा ही बेरहमी वाला हमला किया था, इसके बाप को और माँ को दोनों को मार दिया गया था। और मेरे ख्याल से ये अपने वापस अपने लाइफ के जो है ना फ्लैशबैक में वापस जो है घुस गया है। और लेट्स सी
तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके अपने वही पुरानी बातें याद आ रही हैं अपने माँ बाप की, इसकी कुल्हाड़ी को देख के। यार ये सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि फ्लैशबैक्स आते हैं, जिस तरह फार क्राई 3 में जो है ना वास को जब मारते वक्त जो है ना फ्लैशबैक्स आते थे, तो वो जो है ना अजीब ही किसी जादुई दुनिया में खो जाता था। तो इससे बेहतर है यार कि बंदा डायरेक्टली अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू रहे, वो ज्यादा आई क्या कर रहा है इसमें टाइम वेस्टिंग फजूल की जो है ना चीज़ें। मैं यहाँ पे इवन माउस के क्लिक्स भी दबा रहा हूँ तब भी जो है ना ये स्किप नहीं हो रहा। Eivor, are you bewitched? Unbind us. वापस आ गया, शुक्र है। Oh, yes, of course. चलो भाई अपने दोस्तों को बचा। ओके, और भी साथी हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये हैं और बस यही हैं। आ जाओ मेरे साथियों। कितने साथी हैं? एक। ओके, तो वो दरवाजे पर। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है कि अगर तू सांस ले सकता है तो तुम फाइट करो? ऐसा क्या होने वाला है? लगता है बाहर से मामला खराब होने वाले हैं। ओके, ओके कौन रह गया? आजा मैं तेरे को बताता हूँ कौन है। ओके, अपनी कितनी है? हैं 8। अपने 12 का कोटा पूरा करते हैं। 11 हो गए, 8, 9, 10, 11। भाई एक लूट में जो है ना सिर्फ हेल्थ पूरी कर लें। ओके, बड़ा ही नहीं, अपना बंदा है। ओके यार लूट लूं इनको। और अब ये कहाँ पे जाने का कह रहा है? यहाँ पर जो है हमारा एम है। अब इसके बाद मैं R दबा के जो है ना अपना संट अटैक करूंगा।
Come on. यार आर का नहीं आया इसमें सेंटर टेक करने का। कौन रह गया? लगता है लड़ाई खत्म और फाइनली मैंने अपने साथी को बचा लिया, अपनी हेल्थ भी फुल कर ली। और यहाँ पे हाँ, जैसा कि आपको पता था कि एक बंदे को हमने बोला था कि भाई कश्ती की तरफ हमारा इंतजार करो। ओके, कमांड मैंने अपने हाथ में ले ली है और फाइनली आई थिंक पार्ट टू वॉक थ्रू पार्ट जो है इस कंप्लीट हो गया है। ओके, सारे फोर्ट आ गए और गेम भी सेव हो गया। तो गाइस यहाँ पे ग्राफिक्स देखें, कितना ही जबरदस्त और अमेजिंग लुक है। और जरा F3 दबा के जो है ना तस्वीर वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। ओके, ओके यहाँ पे जो है ना फाइनली यहाँ पे सेव हो गया है। तो गाइज अब जो है यहाँ पर ओपन सेल जेड फॉलो को सी कमांड, कश्ती को छोड़ो। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े, अब देखते हैं कि वॉक थ्रू पार्ट 3 में हमें किस तरह की जो है मुसीबत देखने को मिलती है।